जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप लोगों का पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे में। और आज हम बात करने वाले हैं शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। कब होने जा रहा है ये शुक्रदेव का राशि परिवर्तन और कब से कब तक शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन रहने वाला है और हमारे जीवन में शुक्रदेव का क्या महत्व है, हमारी कुंडली में शुक्र देवता का क्या महत्व होता है शुक्र ग्रह का, और साथ ही साथ शुक्रदेव के राशि परिवर्तन से 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। चलिए तो बात करते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं, भोग विलास, विवाह सुख और संतान सुख के कारक ग्रह जो कि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, कौन सी राशि में करने जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। 28 मई को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, यानी शुक्रदेव 28 मई को 11:55 रात्रि में अपनी खुद की राशि यानी वृषभ राशि से निकलकर बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये राशि परिवर्तन आपको 28 मई से 22 जून तक देखने को मिलेगा, यानी 28 मई से 22 जून तक शुक्रदेव इसी अवस्था में मिथुन राशि में रहने वाले हैं और उसके बाद निकलकर आगे कर्क राशि में प्रस्थान करेंगे। तो इस राशि परिवर्तन के दौरान 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ शुक्रदेव का हमारी कुंडली में क्या महत्व होता है। देखिए, अगर व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव मजबूत हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सुख सुविधाएं देंगे, भौतिक सुखों का आपको आनंद मिलेगा, भोग विलासा का जीवन आप जी पाएंगे, अच्छा विवाह जीवन आपका रहेगा, अच्छी संतान के आपके योग बनाएंगे और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन सुखद आपका रहने वाला है। इसके विपरीत अगर देखा जाए आपकी कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है, नीच अवस्था में है या उनका अंश कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में जातक के रिश्तों में असफलता प्राप्त कराता है, यानी जातक अपने रिश्तों में चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो या लव लाइफ का हो या यार दोस्तों का हो, यानी उसके जीवन में जो भी उसके रिश्ते हैं पारिवारिक दाम्पत्य यार दोस्त पर किसी के भी रिश्ते के साथ, उसके रिश्तों में आपको असफलता देखने को मिलती है अगर शुक्र आपके कमजोर है। वैवाहिक सुख आपका खत्म हो जाता है, वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश आपका बढ़ जाता है, आंखों की समस्या आपको बनाते हैं शुक्रदेव अगर कमजोर हैं, आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या बनाएंगे और आपके सुखों में कमी कर चलेंगे, और धन की स्थिति भी काफ़ी आपकी कमजोर और दयनीय रहती है अगर शुक्र आपके कमजोर हैं। और अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको आपके शुक्र के बारे में नहीं पता और ये समस्या आपके साथ बन रही है तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं आपका शुक्र कमजोर है, और फिर भी अगर आपको नहीं पता, आपको शुक्र आपकी स्थिति नहीं पता कहाँ पर विराजमान है किस स्थिति में, तो आप अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको आपके शुक्र और साथ ही साथ कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए तो अब आगे बात करते हैं शुक्रदेव के मिथुन राशि में परिवर्तन के कारण 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अगर बात करें मेष राशि वाले जातकों की, तो मेष राशि वालों यानी आपकी कुंडली में ये शुक्र का मिथुन राशि में गोचर आपके तीसरे भाव यानी तृतीय भाव में आपको देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपके साहस में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र आपकी स्थिति में आपकी जो मेष राशि वालों हैं तो आपकी शुक्र अच्छा रिजल्ट आपको देगा, तो साहस में वृद्धि आपको कराएगा, काम में आपको प्रशंसा मिलेगी, चाहे आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको प्रशंसा प्राप्त होगी, कई ऐसे फैसले होंगे जो आपके पक्ष में होते हुए नजर आएंगे, भौतिक सुखों का आप आनंद ले सकते हैं और भौतिक सुखों पर आपका खर्चा इस समय अंतराल में बढ़ भी जाएगा, यानी 28 मई से 22 जून तक आपका भौतिक सुखों पर खर्चा बढ़ जाएगा। नौकरी में आपको प्रगति और उन्नति देखने को मिलेगी, नौकरी बदलाव करने के लिए, नौकरी परिवर्तन करने के लिए आपके पास कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आएंगे और आप उनका आनंद भी ले सकते हैं। दाम्पत्य सुख आपको अच्छा रहने वाला है, लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा समय है, लव लाइफ आपके लिए काफ़ी मधुर स्थिति में दिख रही है, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला, यानी कुल मिलाकर शुक्र का मिथुन राशि में परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए काफ़ी लाभकारी और आनंद में रहने वाला है। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली में ये राशि परिवर्तन आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में देखने को मिलेगा। इसके कारण आपकी इस समय अंतराल में आपकी धन संबंधित में वृद्धि होगी, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, धन में आपकी वृद्धि होगी, परिवार में आपके शुभ कार्यों का आयोजन हो सकता है, आपकी संपत्ति पर निवेश बढ़ सकता है, यानी इस समय आप कोई ना कोई संपत्ति जरूर खरीदेंगे। कार्यस्थल पर आपको समस्या जरूर देखने को मिल सकती है, नौकरी से संबंधित कोई ना कोई परेशानी या व्यापार से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है, आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है, दाम्पत्य जीवन का सुख भी आपको अच्छा रहने वाला है।
मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों की कुंडली में ये राशि परिवर्तन आपके लगन भाव में आपको देखने को मिलेगा। ये राशि परिवर्तन यानी शुक्र का मिथुन राशि परिवर्तन आपके लिए काफ़ी अनुकूल समय लेकर आया है। नौकरी में आपको उचित परिणामों की प्राप्ति होगी, नौकरी में एक अच्छा स्थान भी आपको प्राप्त होगा। व्यवसाय में प्रगति आपको देखने को मिलेगी, व्यवसाय में वृद्धि और व्यवसाय को गति प्रदान शुक्रदेव इस समय आपको करते हुए नजर आएंगे। पढ़ाई के लिए भी काफ़ी अच्छा समय आपके लिए रहने वाला और शुक्रदेव का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा और तो इस समय अंतराल में आपका पढ़ाई में भी ध्यान केंद्रित हो जाएगा। बच्चों के लिए थोड़ी सी समस्याएं बन सकती हैं, यानी संतान को लेकर आपको कोई समस्या परेशान कर सकती है। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि वालों की कुंडली में ये राशि परिवर्तन आपके द्वादश भाव में देखने को मिलेगा। ऐसे में गैर जरूरी चीज़ों पर आपका खर्चा बढ़ जाएगा, या मैं कहूँ जो अव्यर्थ की चीज़ों पर आपका खर्चा बढ़ता हुआ नजर आएगा वह आपका बढ़ जाएगा। आर्थिक समस्या आपको परेशान कर सकती है, आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं आपकी डगमगा सकती है। रिश्तेदारों के साथ आपका इस समय अच्छे योग बन रहे हैं, या रिश्तेदारों के साथ आप कहीं विवाह में भी जा सकते हैं। व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए, इसके साथ समय अच्छा है आपके लिए, काफ़ी अनुकूल समय रहने वाला है। माँ की सेहत का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, यानी आपकी माता जी की सेहत इस समय आपको परेशान कर सकती है। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो सिंह राशि वालों की कुंडली में ये राशि परिवर्तन आपके 11वें भाव में देखने को मिलेगा। ऐसे में कैरियर में आपको सफलता होती हुई नजर आएगी, इच्छाओं की पूर्ति आपकी हो जाएगी, जो भी आपकी पुरानी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति आपको होती हुई नजर आएगी। पिता के साथ आपके अच्छे संबंध बन सकते हैं, पुराने अगर संबंध आपके खराब हैं तो वो संबंध आपके अच्छे संबंधों में परिवर्तन हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन काफ़ी मधुर रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन में आपके काफ़ी अच्छा समय ये बीतने वाला है। आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत आपकी नज़र आ रही है और वहीं धन की स्थिति प्रचुर मात्रा में आपको रहने वाली है। कन्या राशि की बात करें तो शुक्र का मिथुन राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों की कुंडली में दशम भाव में देखने को मिलेगा, 10th हाउस में। ऐसे में पहला चरण यानी कि जो शुरू के 15 दिन आपके रहने वाले हैं वो काफ़ी अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। कड़ी मेहनत आपको जरूर इस समय करनी पड़ सकती है, तभी आपको सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि आपकी होती नजर आएगी, धन संबंधित स्थिति काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, स्वास्थ्य अनुकूल आपका रहने वाला है और जीवन साथी के साथ भी समय आपका काफ़ी सुखद समय रहने वाला है। तुला राशि वालों की कुंडली देखें तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन तुला राशि वालों की कुंडली में नवम भाव यानी भाग्य स्थान में आपको देखने को मिलेगा। अनुकूल परिणाम आपके लिए लेकर आया है, भाग्य का साथ आपको प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है। आपकी उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है, कैरियर में भी आपको उछाल और सफलता देखने को मिलेगी। पढ़ाई के लिए व्यापार के लिए दोनों के लिए ही अच्छा समय है, उन्नति भरा समय आपके लिए साबित होगा। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो शुक्र का मिथुन राशि परिवर्तन आपकी कुंडली में अष्टम भाव में आपको देखने को मिलेगा। संबंधों में समस्याएं शुक्रदेव आपके बना सकते हैं, चाहे मैरिड लाइफ हो लव लाइफ हो, दोनों में समस्याएं आपके बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है, कोई ना कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। आर्थिक स्थिति औसत रहने वाली है, कोई बड़ा फेरबदल आपको नहीं देखने को मिलेगा। कैरियर में प्रगति आपको जरूर मिल सकती है इस समय, यानी कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा समय आपके लिए साबित होगा। वहीं दूसरी ओर कैरियर में कोई ना कोई परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है, आप अपनी मेहनत और लगन से कार्य करते हुए आगे बढ़ते चलें। धनु राशि की अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली में ये राशि परिवर्तन आपके सप्तम भाव में आपको देखने को मिलेगा। अनुकूल परिणाम आपके लिए समय लेकर आया, मन चाही डील आपकी फाइनल होगी। व्यापारियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जो डील है मन चाही वो आपकी फाइनल इस समय हो जाएगी। पार्टनरशिप में अच्छे लाभ आपको मिलेंगे, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं या नए पार्टनर आपको इस समय में मिल जाएंगे। व्यापार विस्तार के लिए भी काफ़ी अच्छा समय आपके लिए साबित होगा। मकर राशि की अगर हम बात करें तो मकर राशि वालों की कुंडली में ये राशि परिवर्तन आपके 6th हाउस यानी 6ठे भाव में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, कोई ना कोई समस्या आपको परेशानियां घेरे इस समय में रह सकती है। छोटी छोटी बातों पर विवाद भी आपका बढ़ सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें, जितना हो सके वाणी पर कंट्रोल रखें और वाद विवाद से दूर रहें। आर्थिक रूप से अच्छा समय बिल्कुल नहीं है, आर्थिक रूप से आपको सावधान रहने की मैं सलाह जरूर दूंगा। नौकरी में भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली में ये राशि परिवर्तन पंचम भाव में आपको देखने को मिलेगा, आपके लिए लाभदायक परिणाम लेकर आया है।
पंचम भाव में होने के कारण लव लाइफ आपकी काफी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। लव लाइफ या नए रिश्तों की आपकी शुरुआत इस समय हो जाएगी। अगर कोई रिश्ते आपके खराब हैं, अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो रिश्ते भी आपके अच्छे हो जाएंगे। शिक्षा के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफ़ी उचित समय है और संतान प्राप्ति के योग के भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। मीन राशि की अगर हम बात करें तो मीन राशि वालों की कुंडली में ये राशि परिवर्तन फोर्थ हाउस यानी चौथे भाव में आपको देखने को मिलेगा। संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त होगा। कोई संपत्ति को लेकर समस्या चल रही है तो वो इस समय आपकी समाप्त हो जाएगी। वाहन और भूमि के नए योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेहनत के बाद आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी शुक्रदेव यहाँ पर आपको करा देंगे। इसके लिए विशेष आप शुक्रदेव की पूजा पाठ जरूर करें। और ये था शुक्र का मिथुन राशि में परिवर्तन, 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। और इसके साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन का बटन हमेशा ऑल पर जाकर ऑन रखें ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती रहे। जय माता दी।